नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube प्लेटफॉर्म तैयारी जीत की चैनल पर। इसके अतिरिक्त मैं उन सभी नए अभ्यर्थियों को एक बार पुनः स्वागत करता हूँ जिनका यूपी टेट की परीक्षा है 18 नवंबर को। दरअसल पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट सेक्शन में मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर यूपी टेट के लिए जो है अंतिम टेस्ट सीरीज चला दीजिए, कुछ अच्छे महत्वपूर्ण वीडियोस डाल दीजिए। उसी को ध्यान में रखते हुए, 18 नवंबर को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने चैनल के द्वारा 40 मॉक टेस्ट डालने जा रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित होंगे। जिस तरीके से यूपी टेट में क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं को आधार बना करके इन 40 मॉक टेस्ट को जो है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और ये सभी कुछ बिल्कुल निशुल्क, बिल्कुल फ्री, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि कितना बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन जो है मैं लेकर आया हूँ। इसके अतिरिक्त प्लेलिस्ट में तैयार कर दी जाएगी और यूपी SSSC की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें, उनके लिए भी जो है रेगुलर हम चलती रहेगी टेस्ट सीरीज, और यूपी टेट के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एक दिन में लेके आएंगे। ठीक है, पूरे नोट्स तैयार हैं हमारे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन जो है हम लेके आने वाले हैं। आपको सिर्फ हमारी इतनी सी मदद करनी है कि वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें अपने दोस्तों के बीच में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और शेयर का ऑप्शन तो होता ही है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर्यावरण अध्ययन पर 30 सबसे महत्वपूर्ण MCQs, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 300 प्रश्नों पे अपना अनुमान अवश्य लगाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने प्रश्न ऐसे थे जिसका आप सही जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी क्या है? चार ऑप्शन है, स्थायी अवस्था, खाद्य जाल, जैव संरचना, पोष रीति। तो क्वेश्चन नंबर एक का सही जवाब है ऑप्शन तीन, जैव संरचना। ठीक है, पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है जैव संरचना। अगला प्रश्न देखिए, एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? पादप एवं प्राणी, जीवीय तथा अजीवीय, मछली एवं मेंढक, मेंढक एवं शेर। तो आपका कंफ्यूजन पहले दो में ही होगा, उम्मीद करता हूं आपको इसका आंसर पता है। सही जवाब है ऑप्शन दो, जीवीय तथा अजीवीय। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर होगा क्या? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक, पादपों का अंतिम अपघटक, या खाद्य स्तूप का शीर्ष? क्वेश्चन नंबर तीन, सही जवाब है ऑप्शन चार, खाद्य स्तूप का शीर्ष क्रम पर रहेगा मोर। मित पोषणी ओलिगोट्रॉफिक झील का उदाहरण कौन सा है? मित पोषणी ओलिगोट्रॉफिक झील का उदाहरण है कश्मीर की डल झील, ओडिशा की चिल्का झील, राजस्थान की सांबर झील, या दक्षिण भारत की ऊटी झील। चौथे का सही जवाब है ऑप्शन तीन, राजस्थान की सांबर झील। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, 1 जून से 7 जून, 1 मई से 7 मई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 1 अगस्त से 7 अगस्त। क्वेश्चन नंबर पांच, सही जवाब है ऑप्शन तीन, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच। ठीक है, लानोज और कैंपोज घास प्रदेश किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सही जवाब क्या है? लानोज और कैंपोज उष्णकटिबंधीय घास बायोम में आते हैं, ऑप्शन दो। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल नहीं है? साल, केरल, सांगवान, मध्य प्रदेश, चिनार, जम्मू कश्मीर, चंदन, कर्नाटक, कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर सात, सही जवाब है
ऑप्शन एक साल केरल जो है ये सुमेल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? बायोम, फॉर्मेशंस, बेंथम या नेक्टन। क्वेश्चन नंबर 8, सही जवाब है ऑप्शन दो, फॉर्मेशंस। फॉर्मेशंस ठीक है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 9, सही जवाब क्या है? किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाएगी? ऑप्शन है रूम सागरीय बायोम, मानसूनी बायोम, विषुवतीय वन बायोम या टैगा बायोम। एक बार ऑप्शन में चीनी तुल्य बायोम भी दे दिया था, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या पूछ रहा है। तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, सही जवाब है ऑप्शन 3, विषुवतीय उष्ण कटिबंधीय वन बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन 3। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 10, सही जवाब है भोपाल। महोगनी, रोजवुड, आबनूस किस बायोम के वृक्ष हैं? विषुवतीय वन बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, मानसूनी बायोम या टैगा बायोम। महोगनी, रोजवुड, आबनूस किस बायोम के वृक्ष हैं? जल्दी से बताइए। सही जवाब है 11वें का ऑप्शन एक, विषुवतीय वन बायोम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, विषुवतीय वन बायोम। हर बायोम की अपनी अपनी विशेषताएं वाली प्रजातियां हैं वृक्षों की, आपको पता होना चाहिए। वो प्रैक्टिस में जो है सब कुछ कवर करा दिया जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा प्रदान की जाती है? 12वें का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए लम्बरजैक। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का क्या कारण है? चार ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। 13वें का सही जवाब है ऑप्शन दो, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा का होना ही इसका एकमात्र कारण है। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी या ये सभी? तो 14वें का सही जवाब है ऑप्शन दो, परजीवी। एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए और मेंढक होते हैं, क्या होते हैं ये? उत्पादक, अपघटक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता? तो 15वें का सही जवाब है ऑप्शन 4, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। जैव मंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? क्वेश्चन नंबर 16, सही जवाब है ऑप्शन 2, 22 से 30 किलोमीटर। विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या आयन मंडल? क्वेश्चन नंबर 17, सही जवाब है ऑप्शन एक, जैव मंडल। कमेंट करके बताना है कि इस टेस्ट में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। हर टेस्ट एकदम अलग विशेषताओं वाला होगा, जो कि टॉपिक पर्यावरण से ही संबंधित होगा, जैसे कि आज का है जलवायु आधारित ये टेस्ट है, लेकिन अगला टेस्ट किसी खास टॉपिक पर होगा जिसमें 30 प्रश्न होंगे। तो हर टेस्ट को पूरे ईमानदारी से और गंभीरता के साथ हल करें। मैं वादा करता हूँ यूपी टेट के परीक्षा वाले दिन पर्यावरण से संबंधित और अन्य जो टॉपिक कराए जाएंगे उससे आप काफ़ी प्रश्न सही करके आएंगे। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है आपके सामने। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन दो, एक्वेरियम। जैतून की फसल किस जलवायु की है? जैतून की फसल। क्वेश्चन नंबर 19, सही जवाब है ऑप्शन 3, भूमध्य सागरीय जलवायु की। किसी भी
बायोम में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 20। सही जवाब है ऑप्शन 4, वनस्पति की संरचना सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है? ऑप्शन है सवाना बायोम, टुंड्रा बायोम, रूम सागरीय बायोम या शीतोष्ण घास प्रेरी बायोम। ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सही जवाब है ऑप्शन 1, सवाना बायोम में। कुंज वन जिसको कि कहा जाता है इंग्लिश में चैपरल, कहाँ वितरित हैं? साइबेरिया में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, उत्तरी अफ्रीका में या अरब में? कुंज वन चैपरल। 22वें का सही जवाब है ऑप्शन 3, उत्तरी अफ्रीका में। दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन 3, रूपांतरित सवाना। क्राउन साइनेस नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 24, सही जवाब है ऑप्शन 3, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था किसने? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया था? आपके ऑप्शन है पैट्रिक गिडिस ने, हेरोल्ड मैकिंडर ने, हॉर्लोन बेरोज ने या ऑप्शन 4 ए, हर्बर्टसन ने। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन 3, हॉर्लोन बेरोज ने। आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जाता? ऑप्शन है जैविक, अजैविक, ऊर्जा, स्थानिक। क्वेश्चन नंबर 26, सही जवाब है ऑप्शन 4, स्थानिक। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? वन, रेगिस्तान, घास के मैदान या समुद्री? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, गलत मत कीजिएगा। ऑप्शन 4, समुद्री। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी जो नाइट्रोजन के लिए कीट भक्षी बन जाते हैं, एक तरह के पौधे होते हैं ये, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु बायोम में पाए जाते हैं। घटपर्णी नाइट्रोजन की जो खुराक अपनी पूरी करते हैं ये कीटों के माध्यम से, उनको घटपर्णी कहा जाता है। 28वें का सही जवाब है ऑप्शन 2, पत्ता जो घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। 29वां प्रश्न पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र या भूरा रासायनिक चक्र? क्वेश्चन नंबर 29, सही जवाब है ऑप्शन 2, जैव भू रासायनिक चक्र। अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है? तो सही जवाब है पिग्मी। 30वें का सही जवाब क्या होगा? लंबर। सही जवाब क्या होगा? चार ऑप्शन है आपके पास, बुशमैन, पिग्मी, लंबरजैक, मसाई। सही जवाब है पिग्मी। ठीक है, मसाई जनजाति कीनिया में पाई जाती है, कीनिया तंजानिया, और बुशमैन बोत्सवाना अफ्रीका, और लंबरजैक कनाडा, और उत्तरमाला आपकी ये है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि ये टेस्ट कैसा लगा आपको, जो कि पूरी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित था। नेक्स्ट टॉपिक किसी और चीज़ पे होगा लेकिन पर्यावरण पर ही होगा। कोशिश ये रहेगी कि 30 प्रश्नों में से अधिक प्रश्न जो है हमारे यूपी टेट में 18 नवंबर को आए और आपके जो है पेपर बहुत अच्छे से गुजरे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, टारगेट रखते हैं हम 100 लाइक्स का, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स आने में समय लगेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। बेहतरीन प्रश्नों के श्रृंखला जो है अब चालू हो चुकी है। मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा, एक दिन में 4 से 5 वीडियोस यूपी टेट के ऊपर आएंगे, जिससे कि आपकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके। सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू पे होंगे,
अगर आप चाहेंगे तो मैं व्याख्या के रूप में भी चीजों को समझा सकता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।